फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूला है और कितनी अच्छी जाली आई है और बिल्कुल बाउंस बैक कर रहा है। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि कितना अच्छा हमारा ये ढोकला बना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट लाइफ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है इंस्टेंट ढोकला, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही जूसी स्पॉन्जी। और सबसे इसकी खासियत है कि इंस्टेंट है, झट से बन भी जाता है। तो चलो शुरू करें आज की आसान सी रेसिपी। ढोकले का फर्स्ट स्टेप है कि आप एक बड़ा सा बर्तन जिसमें आपको ढोकला स्टीम करना है वो आप गैस पे चढ़ाइए। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें मैंने एक रिंग रखी है और पानी डाला है, तो हम इसे गर्म करने रख देंगे। आप चाहो तो इडली स्टीमर, ढोकला स्टीमर जो आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम 1.5 कप पानी डालेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप और ये 1/2 कप, तो टोटल हमने 1.5 कप पानी लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ये 1 टीस्पून नमक हमने लिया है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे चीनी, ये हमने ली है 4 टीस्पून चीनी। चीनी के बाद इसमें हम डालेंगे साइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स। फ्रेंड्स, इसे नींबू का फूल भी कहा जाता है और मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो ये हमने लिया है 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है पैकेट में, अलग अलग ब्रांड्स के रहते हैं, तो वो हमने इस्तेमाल किया है साइट्रिक एसिड क्रिस्टल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पानी में घुल जाए। चीनी, साइट्रिक एसिड, नमक अच्छे से घुल गया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून तेल, मैंने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। डाल के हम दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल 2 बूंद हम येलो फूड कलर के डालेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। कई लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, लेकिन आप इसमें हल्दी ना डालें, क्योंकि अगर आपने हल्दी डाली तो इसमें हम एंड में सोडा या तो इनो डालते हैं, तो हल्दी उससे रिएक्ट करती है और फिर ढोकले में रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। इसलिए यहाँ पे हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल 2 बूंद, या आप इसे बिना फूड कलर डाले प्लेन भी रख सकते हो। अगर जो आपका बेसन है बहुत अच्छा पीला है तो नेचुरल पीला कलर आपके ढोकले में आ जाता है। ये फूड कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल। हमारा ये जो बेसिक मिश्रण है रेडी है। अब इसमें हम हमारी सूखी सामग्री, हम जब भी डालते हैं या कोई भी सामग्री, आप केक बनाए, ढोकला बनाए, तो हमेशा छानना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसमें एरेशन फॉर्म होता है और अच्छे से ये स्पॉन्जी भी बनता है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप बेसन, 2 कप चने का आटा, तो वो हम इसमें डाल देंगे। बेसन के साथ इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सूजी, ये महीन वाला रवा है, फाइन रवा जिसे कहते हैं हम, वो है 2 टीस्पून, वो भी हम बेसन के साथ ही छान। अब इन दोनों को हम छान लेंगे। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पे बैटर देख सकते हो फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत ही पतला है, पर जैसे ही हम इसमें इनो सोडा डालेंगे तो ये बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। टिन ही लिया है जो 8 इंच का है, जिसे मैंने थोड़ा ऑयल से ग्रीस किया है। आप चाहो तो थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने पानी उबलने रखा था वो बिल्कुल उबल गया है, आप देख सकते हो। और अंदर मैंने एक प्लेट रखी है, क्योंकि जो ढोकला का टिन है उससे ये पानी का कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, तो मैंने थोड़े हाइट देने के लिए मैंने उस पर एक प्लेट रखा। अब इस टिन को मैं अंदर रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 इनो के पैकेट्स लिए हैं, जो दोनों भी 1-1 टीस्पून है। ये जो पैकेट है इसमें 1 टीस्पून इनो है, इसमें 1 टीस्पून इनो है, तो हमें 2 टीस्पून इनो इसमें डालना है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो जो नॉर्मल कुकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो 1 टीस्पून आपको इस्तेमाल करना है। वो आपको 2 टीस्पून नहीं इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ 1 टीस्पून इस ढोकले की रेसिपी के लिए इनफ है। इनो डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भी हम नहीं करेंगे मिक्स, और आप देख सकते हो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है पूरी तरह से चेंज हो गई है, फ्लफी हो गई है। और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत इस बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस बैटर को हम टिन में डाल देंगे।
अब इसे तुरंत हम ढक देंगे और ढक के इसे हम करीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम हाई आंच पे हम इसे स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हमने इसे ओपन किया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल गया है। तो अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। इस ढोकले का तड़का बनाएंगे। तो सबसे पहले तड़का पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम सरसों के बीज डालेंगे। ये राई है जो बहुत ही महीन वाली होती है वो हमने ली है 2 टीस्पून। इसके साथ हम 1 टीस्पून सफ़ेद तेल डालेंगे, थोड़ा सा हींग, 1 हरी मिर्च और थोड़े कड़ी पत्ते। बिल्कुल थोड़े से हम इसमें धनिया बीज डालेंगे, इससे भी इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। धनिया बीज मैंने अभी लास्ट में डाला है पर आप स्टार्टिंग में डालिए। 2 मिनट हम इसे तड़कने देंगे और फिर हम गैस को बंद करें। आधा कप पानी लिया है जिसमें हम मैंने 4 से 5 टेबल स्पून चीनी डाली है। चीनी की मात्रा आप आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम इसका एक पानी बनाएंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाए तब तक हम इसे गर्म कर रही है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इस पानी को भी हम ठंडा करें। फ्रेंड्स, ढोकला जो है हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे हम अनमोल्ड करेंगे। और अनमोल्ड करने से पहले साइड्स आप रिलीज कर दीजिए। तो इसे हम पलट देंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा ये जो ढोकला है बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बबली स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स, ढोकले को अब हम कट कर लेंगे। और फिर कट करने के बाद हम ऊपर से तड़का डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी जाली आई है और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल बाउंस बैक हो रहा है। ये जो तड़का हमने बनाया है वो हम डाल देंगे इस पर। हमारा ये जो चीनी वाला पानी है उसे भी हम डाल देंगे। इन ढोकलों को फ्रेंड्स हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। और दूसरी ओर से भी टर्न करके हम ये तड़का और थोड़ा पानी हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा नारियल और धनिए से गार्निश करेंगे, थोड़ा कसा हुआ गीला नारियल। और थोड़ा सा हरा धनिया। फ्रेंड्स, हमारा ये इंस्टेंट ढोकला तैयार है और बहुत यम्मी बनता है, बहुत जालीदार बनता है, स्पॉन्जी बनता है। इसकी जाली भी आप देख सकते हो, बहुत ही यम्मी बनता है। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।